पिछले सालों से आप पूरे तक ऑफ? देखो मैं ये मानता हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट कभी कभी कि आपका शो भी बहुत अच्छा चल रहा था जी टीवी में जी एंड यू क्विट दैट शो या मतलब क्या मेंटल No, it's basically something that I wanted to work on myself as a human being, as an actor, and वो मेरे लिए main था. और उसके बाद मैंने ये नहीं कहूँगा कि मैंने टीवी छोड़ दिया है, but I'm just waiting for a good opportunity again to come. और उसके साथ साथ मैं थोड़ा OTT में भी घुस गया हूँ, उनके भी ऑडिशन चालू हैं. बट मैं वैसे भी एक थोड़ा सा रिजर्व किस्म का बंदा हूँ, मुझे ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन वाला मेरे को माहौल इतना जमता नहीं है, मैं ऐसा हूँ ही नहीं. तो जब लाइमलाइट आती है तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, और जब नहीं आती तभी भी ग्रेटफुल हूँ. आपका करियर बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, यू डिड अ वेब सीरीज आपको खुशहाल टंडन के साथ आपने किया था, उसके बाद आप जी में टॉक शो कर रहे हैं, प्राइम टाइम में कर रहे थे, अचानक आप क्विट करते हैं, यू टेक ब्रेक. इट्स इम्पॉर्टेंट, आई थिंक इट्स मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग हु यू आर एज अ पर्सन. इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग वेदर यू वॉन्ट टू बी देयर एट दैट टाइम और नो. अभी इससे करियर यहाँ जाए वो इतना अगर इंसान सोचेगा तो ख़त्म हो जाएगा. दी आइडियाज़ टू बेसिकली देखो कभी कभार अगर मेंटल स्ट्रेस हो जाते तो इंसान को रिलैक्स करना चाहिए. अभी आपको बुखार हो गया, आप काम पे जाओगे? जाओगे, लेकिन अगर बुखार बढ़ गया तो नहीं जाओगे. तो सिमिलरली अगर मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है तो यू पॉसिबली वॉन्ट टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ अ ब्रेक. नाउ ब्रेक कितना है वो आप पे डिपेंड करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड ऑल्सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, माई मॉम हैड कैंसर, उसके साथ साथ आई थिंक इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू स्पेंड टाइम विद फैमिली. देखो अगर आप लगातार काम कर रहे हो ना, घर पे वक्त बिताना मुश्किल हो जाता है. प्रायोरिटीज़ दोस्तों को, घर वालों को आप कम देते हो. काम जिंदगी में होते रहेगा मैं तो ये मानता हूँ, लेकिन फैमिली रिलेशंस विद ग्रैंड पेरेंट्स, विद फैमिली, विद योर सिबलिंग्स एंड एवरीबॉडी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप ये कह सकते हैं कि मैं एक छोटे से सबैटिकल में था जहाँ पर मैं खुद पे काम कर रहा था, मेरे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, मेरे दोस्तों के साथ वक्त बिता रहा था. एंड ये कमबैक वाला फेज़ में मुझे समझ में नहीं आता. इंसान हमारी इंडस्ट्री ने शायद ये ट्रेंड बना लिया है कि ओ कमबैक, ओ पीक, ओ लो. एट दी एंड ऑफ द डे प्लीज अंडरस्टैंड वी आर ह्यूमन बींग्स, यू नो अप्स एंड डाउन्स कीप हैपनिंग. आप मुझे ये कह रहे हो कि जो अभी पीक पे है उसके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं है? डेफिनेटली है. बट आई थिंक टू ईच दे ओन, इंडिविजुअल ओपिनियन मैटर करता है इस हिसाब से. और जहाँ तक मैं जानता हूँ आई फील सुपर एनर्जेटिक राइट नाउ एंड आई एम जस्ट बींग वेरी सिलेक्टिव अबाउट द वर्क दैट आई वॉन्ट टू डू इज़ वॉट आई कैन से. थैंक यू, लवली, थैंक.